आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वायरल भिंडी हेयर मास्क फॉर स्मूथ सिल्की एंड शाइनी हेयर। आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि भिंडी का इस्तेमाल करके कितने भी आपके ड्राई हेयर हैं, कितने भी फ्रीजी से ड्राई रफ हेयर हैं, वो एकदम से स्मूथ और स्ट्रेट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मेरे बाल भी इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, क्यों ना मैं भी ये हेयर मास्क बना के ट्राई करूँ और आपको इसका होनेस्ट रिव्यू बताऊँ कि क्या ये सच पे काम करता भी है या नहीं करता या वैसे ही है। आपको बिफोर आफ्टर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि पहले के बाल और बाद में लगाने के बालों में क्या रिजल्ट आया है। ये सारा जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक आप जुड़े रहना, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी भिंडी, धो के रफली छोटे छोटे पीसेस में आपको इसको काट लेना है। उसके बाद फिर आपको एक पैन लेना है, पैन में आपने इस भिंडी को डाल के साथ ही आपको एक से डेढ़ गिलास यहाँ पे मैंने पानी लिया इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से पकाते रहना, अच्छे से उबालते रहना, तब तक इसको बॉयल करना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जेल फॉर्म में नहीं आ जाती। मैंने 10-12 मिनट के लिए इसको गैस के ऊपर रखा था, तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जेल फॉर्म में हो गई है। तो और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। 10-12 मिनट लगे थे इसको पकाने के लिए मेरे को। उसके बाद फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था ठंडे होने के लिए, वेट किया। ठंडे होने के बाद फिर आप इसको छन्नी की मदद से आपने कोई भी कंटेनर में या कोई भी बर्तन में इसको अच्छे से आपने इसको छान लेना है। अच्छे से इस हेयर मास्क को अपने बालों के ऊपर लगा लीजिए, रूट्स के ऊपर, मतलब जड़ों के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको अपने बालों के ऊपर ही लगाना है। ऐसे लगाना है ताकि हर एक बाल में ये हेयर जेल आपके पहुँच जाए। कि देखने में तो ये जेल की कंसिस्टेंसी में लगता है जब ये मास्क प्रिपेयर होता है, लेकिन जब आप इसे लगाते हैं ना तो ये पानी की तरह लगता है, जब आप इसको पानी की तरह, जैसे पानी लग रहा है हमारे बालों के ऊपर। इसलिए आप उतना ही लगाना जितने आपके बालों के लिए इनफ होगा। अगर ज़्यादा बन गया तो सारा लगा लोगे तो वो टपकेगा ही, वो वेस्ट ही जाएगा और साथ ही आपके कपड़े भी ख़राब होंगे और आपको काफ़ी इरिटेशन होगी। काफ़ी लंबे समय तक रखना इसके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कम से कम इसको 1 घंटे के लिए तो रखना ही है बालों के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया, हेयर वॉश कर लिया। तो मैंने सिर्फ शैम्पू के साथ हेयर वॉश किया है, मैंने यहाँ पे कंडीशनर का यूज़ नहीं किया है। सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा कि मेरे जो लंबे बाल हैं थोड़े से उलझ जाते हैं अगर मैं कंडीशनर का यूज़ ना करूँ, अकेले शैम्पू का यूज़ करूँ तो। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, बाल बड़ी आसानी से जो है वो सुलझ रहे थे, उलझने नहीं पड़ रही थी। और साथ ही बिफ़ोर आफ्टर वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले और अब के बालों में वैसे डिफरेंस तो काफ़ी आया है। मतलब एक ही बार के एप्लीकेशन से, एक ही बार ये मास्क लगाने से बाल काफ़ी मेरे सिल्की शाइनी हो गए हैं। लेकिन जैसे आपको वायरल वीडियोज़ में दिखाते हैं कि बाल एकदम से स्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम से जैसे आप पार्लर में जाके कैरेटीन करवाते हो, स्पा करवाते हो, ऐसा रिजल्ट तो नहीं आता है। भाई ये घरेलू रेमेडी बेचारी कितना ही काम करेगी। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं।